नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, क्योंकि ये डेवलपमेंट देखने को मिला है तमिलनाडु राज्य में। एक बार फिर से राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और राज्यपाल के बीच में शक्तियों को लेकर के एक टकराव की स्थिति देखी गई। तो यहाँ पर हमें ये समझने की कोशिश करना है कि आखिर राज्यपाल की शक्तियाँ क्या है, जब विधानसभा कोई बिल पास कर दे या जब वो राष्ट्रपति के लिए किसी बिल को होल्ड करता है तो उसके संबंध में शक्तियाँ क्या क्या उसके पास हैं। इन सभी की हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जो लोग एकदम नए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि ऐसे वीडियो उनको मिलती रहे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करके ही जाइएगा, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि पूरा मामला है क्या। देखिए, यूपीएससी आपसे ऐसे सवाल पूछती है, जो डेवलपमेंट एकदम रिसेंट के होते हैं वहीं से घुमा करके यूपीएससी आप सवाल पूछती है और आप उन सवालों में फंस जाते हैं, क्योंकि आपने ट्रेडिशनल वे में पढ़ाई किया है और डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, कानून विधियों में नए नई चीज़ें आती रहती हैं, नए नए फैसले आते रहते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा के अध्यक्ष ने विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए एक बाध्यकारी समय सीमा निर्धारित करने का आह्वान किया है। विधानसभा अध्यक्ष हैं जो हैं, उनका ये मानना है कि जो निर्णय लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा किस पर, विधेयकों पर, उसका एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए। ये नहीं कि जो है कभी भी आप उसको निर्धारित कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए जरूरी ये है कि एक समय सीमा निर्धारित हो कि इस कालखंड में ही आपको उसका रिप्लाई कर देना है, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे, जिसके भीतर विधेयकों को राज्यपाल द्वारा भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए सहमति या वापस या आरक्षित किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के बात कुल जमा यही थी। अब हम इस पर ये आगे विचार करने वाले हैं कि जो अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं उनकी बात में कितनी तार्किकता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, संविधान क्या कहता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो उनका अपना तर्क है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो उस पर हम जाएं, उससे पहले देखते हैं कि जो मुद्दे हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अध्यक्ष द्वारा उठाए गए जो मुद्दे हैं वो क्या हैं। राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल कभी कभी बिना अनुमति दिए या अनिश्चित काल के लिए विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस किए बिना सुरक्षित रख लेते हैं। अध्यक्ष का कहना है कि राज्यपाल कोई रिप्लाई नहीं करते हैं और उसे अपने पास रख लेते हैं, किसको, बिल को। इससे क्या होता है कि सरकार ने कोशिश किया कोई नया बिल लाने का और इसे होल्ड कर लिया गया राज्यपाल के द्वारा, जबकि संविधान में इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द करने की आवश्यकता है। ये बात किसका है, अध्यक्ष द्वारा कही जा रही है। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयकों को आरक्षित रखा जाता है, जिसमें कई महीने लग जाते थे, जबकि इसे तुरंत किया जाना था। यानी कि यहाँ पर एक बात और कह रहे हैं कि जो बिल राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए होल्ड करता है वो कई महीने लग जाते हैं और उस पर कोई फैसला नहीं आता है, इसलिए जरूरी ये है कि इस पर त्वरित कार्रवाई हो, ऐसी बात कह रहे हैं अध्यक्ष। इससे विधायिकाओं और राज्यपालों के अधिकार समाप्त हो जाते हैं, हालांकि राज्य कार्यकारिणी के प्रमुखों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ठीक है ना। अब ये तो राज्यपाल के संबंध में बात कही, राष्ट्रपति के संबंध में क्या बात है। भारत के राष्ट्रपति को भी स्वीकृति रोकने और विधेयक को वापस करने का कारण बताना चाहिए। अब ये बात कौन कह रहा है, ये विधानसभा अध्यक्ष कह रहे हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि आखिर संविधान क्या कहता है। इससे सदन को उन कमियों को दूर करने या एक अन्य विधेयक बनाने में मदद मिलेगी, जिसके कारण विधेयक को खारिज कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर के कहना यह है विधानसभा अध्यक्ष का कि राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, अगर वो सही टाइम पर फैसला दे तो उनमें क्या सुधार करना है, बिल में क्या कमियां हैं, उनको सही कर लिया जाए, या अगर वो खारिज होती है तो नए तरीके से एक नया मसौदा तैयार करने का वक्त मिल जाए, समय को बचाया जाए। कुल जमा बात कहने की ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, राज्य के विधेयक पर वीटो, यानी कि जो राज्य के विधेयक है उस पर वीटो की बात देखते हैं क्या क्या है। राज्यपाल को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को आरक्षित करने का अधिकार है। तो राज्यपाल है वो एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं राष्ट्रपति के, ठीक है ना। राष्ट्रपति पूरे भारत का मालिक है, एक तरीके से वो राजा है, चुना हुआ एक राजा है, और उसके प्रतिनिधि के तौर पर हर राज्य में कार्यपालिका प्रमुख के रूप में राज्यपाल कार्य करते हैं।
तो जब कभी राज्यपाल को ये लगता है कि कोई विषय इतना महत्वपूर्ण है जिससे भारतीय संघ का वास्ता है, भारतीय संघ को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, तब वो उन विषयों को राष्ट्रपति के लिए रोक लेता है, ठीक है ना। तो ये अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। फिर विधेयक के अधिनियमन में राज्यपाल की कोई और भूमिका नहीं होगी। अगर एक बार राज्यपाल ने किसी विधेयक को राष्ट्रपति के आदेश के लिए या उसके संस्तुति के लिए होल्ड कर लिया तो वहां से राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती है। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों पर न केवल पहली बार बल्कि दूसरी बार आने पर भी अपनी सहमति को स्थगित कर सकता है। यानी कि जो राष्ट्रपति का पावर है वो क्या है? ज्यादा है। वो करता क्या है कि जो विधेयक है अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो वो एक बार भेजता है कि आप इसको जो है सही करके हमें दीजिए, जिसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। मान लीजिए किसी राज्य ने उसे सही करके भेजा, उसके बाद राष्ट्रपति फिर से ये पावर रखता है कि उसे वापस भेजा जा सके। ये केवल एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्थिति होती है, क्योंकि इसके अलावा और कोई स्थिति नहीं होती जहाँ पर दो बार पुनर्विचार के लिए भेजा जाए। आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने जब संसद कोई बिल बनाती है तो वो बिल जब दोनों सदन से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं? एक तो उसको स्वीकार कर ले, दूसरा उसको नकार दे, और तीसरा पॉकेट में डाल ले, यानी कि ना नकारे ना स्वीकार करे। ये तीन ऑप्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यदि एक बार राष्ट्रपति किसी बिल को संशोधन करने के लिए भेजता है और वो संशोधन होकर के दोबारा से आता है तो राष्ट्रपति को वो बिल मानना होता है, ठीक है ना। लेकिन राज्य का जब कोई विवाद होता है, राज्य कोई बिल होता है जिसे राज्यपाल ने अग्रसित किया है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। तो उसके बाद राष्ट्रपति के पास ये मौका होता है कि दोबारा से भी उस बिल को वापस भेज सकता है। वही बात यहाँ पर लिखी गई है। इस प्रकार राष्ट्रपति को राज्य के बिलों पर पूर्ण वीटो है। क्या है? पूर्ण वीटो है। इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य विधान के सभी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। जो राज्यपाल पॉकेट वीटो का एंजॉय करते हैं वो एंजॉय राष्ट्रपति भी कर सकते हैं, और उनके पास क्या है? पूर्ण वीटो भी है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखना है, इससे संबंधित उदाहरण क्या है। अभी तो यह हाल की बात है कि विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात को रखा और इसलिए हम चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन इससे संबंधित उदाहरण और भी है। क्या है? सितंबर 2021 में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित एक विधेयक के आलोक में अध्यक्ष का वक्तव्य महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें राज्य के छात्रों को स्नातक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आवश्यक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में छूट देने की मांग की गई, ठीक है ना। तो विवाद का विषय क्या है कि नीट के एग्जाम में वहां के तमिलनाडु के विद्यार्थियों को छूट देने की मांग की गई, इसके संबंध में विधेयक था लेकिन उसे होल्ड करके रखा गया। जो दूसरा उदाहरण है वो है राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी ठहराए गए 7 कैदियों की रिहाई के संबंध में तमिलनाडु विधानसभा ने वर्ष 2018 में प्रस्ताव पारित किया था कि उनकी रिहाई की जाए। प्रस्ताव तत्कालीन राज्यपाल को भेजा गया था लेकिन उन्होंने 2 साल से अधिक समय तक कोई कार्यवाही नहीं की, ठीक है ना। यानी कि उसको अपने पॉकेट में डाल लिया, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका पर सुनवाई के दौरान देरी के लिए नाराजगी व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये देर होना ठीक नहीं है, और ये कहा भी जाता है अगर कानून देर से मिले तो न्याय, अगर जो है सॉरी अगर न्याय देर से मिले तो न्याय नहीं अन्याय होता है, क्योंकि न्याय का समय के साथ तारतम्यता बहुत जरूरी है। अगर किसी के साथ धोखाधड़ी हुआ है, किसी के साथ कोई अपराध हुआ है और उसे 10, 20, 50 साल में न्याय नहीं मिलता तो एक इंसान की उम्र ही कितनी होती है? 70 से 80 साल औसत उम्र इतनी होती है। तो इसलिए न्याय का समय के साथ अच्छा संबंध है और उस संबंध को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फरवरी में राज्यपाल ने इस पर बिना कोई विचार या निर्णय किए कोई उत्तरदायित्व राष्ट्रपति पर छोड़ दिया। जो मामला ये अभी सर्वोच्च न्यायालय ने अपना रिप्लाई किया था उसको छोड़ दिया और राष्ट्रपति के लिए इसे संरक्षित कर लिया कि इस पर राष्ट्रपति अपना विचार देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस तरीके से राज्यपाल किसी भी कारण से, हो सकता है वो राजनीतिक कारण हो या कोई कानूनी कारण हो, संवैधानिक समस्या हो, लेकिन समय लग रहा है। क्या लग रहा है? समय लग रहा है। आगे देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की वीटो शक्ति क्या है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के द्वारा निर्धारित होती है। भारत के राष्ट्रपति की वीटो पावर किससे है?
अनुच्छेद 111 के द्वारा है। अनुच्छेद 111 भारतीय संविधान के भाग 5 का हिस्सा है, जिसे आप संघ कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक को दी गई सहमति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियों और राज्यपाल की अन्य शक्तियों जैसे कि राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित करने से संबंधित है। यानी कि जो शक्ति केंद्र के संबंध में राष्ट्रपति को मिलती है 111 के द्वारा, अनुच्छेद 111 के द्वारा, वही शक्ति राज्य के संबंध में राज्यपाल को मिलती है अनुच्छेद 200 के द्वारा, ठीक है ना। अनुच्छेद 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक से संबंधित है, ठीक है ना। 201 में भी इस बात की चर्चा की गई है कि यदि कोई जो है कोई विधेयक है उसको आरक्षित रिजर्व किया जाता है किसके लिए, विचार करने के लिए, तो उसके संबंध में बात अनुच्छेद 201 में की गई है। भारत के राज्यपाल को पूर्ण वीटो निलंबन वीटो का अधिकार प्राप्त है, लेकिन पॉकेट वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। भारत के राज्यपाल को या तो वो पूर्ण वीटो का इस्तेमाल करे, पूर्ण वीटो का इस्तेमाल क्या होता है कि सीधे सीधे खारिज कर दे, जैसे ही कोई बिल बन करके आए और उसे सीधे सीधे खारिज कर दे। हालांकि धन विधेयक में यह नहीं होता है, धन विधेयक इसका एक क्या है अपवाद है, लेकिन बाकी विधेयकों में यह होता है कि राज्यपाल सीधे सीधे उसे खारिज कर सकता है या संशोधन के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन उसके पास पॉकेट वीटो नहीं होता है, वो पॉकेट में डाल करके नहीं बैठ सकता है, ठीक है ना। अब जो वीटो है ना वो तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पूर्ण वीटो, निरोधात्मक वीटो या निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। इन तीनों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये तीन वीटो है क्या, अलग अलग इसका मतलब क्या है। एक अपवाद भी ये देख लेते हैं, जब संवैधानिक संशोधन विधेयकों की बात आती है तो राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं होती है। मैंने क्लास में कई बार इस चीज को पढ़ाया है कि जो वीटो है ना वो संवैधानिक संशोधन की स्थिति में इस्तेमाल नहीं होता है। इसके अलावा धन विधेयक की स्थिति में भी इसका कोई प्रयोग नहीं होता है। ये सामान्यतः साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में ही प्रयोग किए जाते हैं। संविधान संशोधन विधेयक को राज्य विधानमंडल में पेश नहीं किया जा सकता है, अतः राज्यपाल को भी संविधान संशोधन में कोई वीटो प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। पूर्ण वीटो क्या है, यह संसद के द्वारा पारित किसी विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति को रोकने की शक्ति से संदर्भित करता है। इसके बाद बिल समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। जैसे कोई जोर शोर से बिल पास हुआ दोनों सदन के द्वारा और राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि ये नहीं हो पाएगा, हम इसको पास नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो क्या होगा, वो बिल समाप्त हो जाएगा। निलंबनकारी वीटो क्या होता है, जब राष्ट्रपति महोदय कहे कुछ तो गड़बड़ है इसमें, कुछ गलत है, इसको आप सही करिए, उसके बाद हम संतुष्ट अपनी जो है सहमति दे देंगे, तो इस वीटो को यानी कि इस रोकने की क्षमता को निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। पॉकेट वीटो क्या होता है कि जेब में डाल लो, न मना करो और न हाँ करो, ठीक है ना, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको पॉकेट वीटो कहा जाता है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास ये अधिकार नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो वीटो का पावर है वो राष्ट्रपति और राज्यपाल में थोड़ा सा अंतर ये है कि जो पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के पास है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है। यदि आप यहीं पर अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना करेंगे तो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जो पॉकेट वीटो का पावर है वो केवल 10 दिन का होता है, यानी कि वो 10 दिन होल्ड कर सकते हैं, लेकिन इंडिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका जो पॉकेट वीटो है वो उसका टाइमलाइन डिसाइड नहीं है, वो उसे अनवरत समय तक जारी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो है एक कॉन्सेप्ट को समझा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के वीटो की शक्तियाँ क्या होती हैं। करंट में चूंकि ये चर्चा का विषय थी, तमिलनाडु से अभी ये जो है विवाद की स्थिति बनी और वहाँ से खबरें आईं, इसलिए ज़रूरी था, इसी प्रकार तैयारी होती है, ठीक है ना। तो बाकी आप एक तरफ से पढ़ाई करते होंगे, ओनली यूपीएससी पर बहुत सारे कंटेंट पड़े हुए हैं, पॉलिटी की एक तरफ से पूरी पॉलिटी पढ़ाई गई है, तो वहाँ से आप पूरा क्लास कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात थी इसलिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।